अपने दोस्तों क्वेश्चन आप सुनिए। देखिए, किसी धन पर धनराशि पर 20% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 रुपये हो जाता है, तो उसी धन का उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्त, तो पहले जो साधारण ब्याज दिया है इससे पर मूलधन निकालेंगे, तो साधारण ब्याज है ना, तो यहाँ पे तो ब्याज तो दे रखा है, अपन निकालेंगे मूलधन। मूलधन बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बट्टा दर इंटू समय, तो ब्याज कितना दिया 2000 रुपये, और 100 बट्टा दर कितनी दी 20%, समय दिया इसने 2 वर्ष, सिपर कट गई 2 5 10 और 2 से कटे तो 1000, 5 का गुणा किया तो 5000 रुपये, ये तो अपना मूलधन आ गया। अब इस मूलधन पर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज गया तो देखिए 20% दर, तो दर कितनी 5000 रुपये है ना, अभी पे निकालनी है 20% दर, यानी 20/100, 20 एकम 20 5 100, एक बट्टा पाँच, तो 1/5, अगर यदि 5 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन कितना होगा 6 रुपये, ब्याज जुड़ जाएगा, फिर 5 है तो 6 छत्तीस में पच्चीस के कितने बचे 11, अभी तो 25 है, अब अपनों को बनाना है 5000, 225 का गुणा 0 0 25 50, तो 11 में भी 200 का गुणा करेंगे तो 11 2 2200, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया दोस्तों 2200 रुपये। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।